हाय गाइस, वेलकम बैक। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। आज का जो वीडियो है वो भी सेम जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगला बैंड है। तो ये बैंड जो है ये होगा चैनल सेटिंग में, ठीक है। तो चैनल सेटिंग का बैंड बनाने के लिए सबसे पहले अपन आईडी ले लेते हैं इसका 17.5, ठीक है। 17.5 आईडी ले लिया। और अभी इसका जो है हाइट, रिंग का हाइट मतलब बैंड का हाइट कितना रखना है। बैंड में एक और मैं चीज़ बताऊं, सारा जो हाइट है ना, पूरी ओवरऑल बैंड की हाइट जो है वो सेम आती है, ठीक है। सेम ही रखते हैं क्योंकि वो फिंगर में किधर भी घूम सकता है, ऐसा उसका कोई टॉप तो होता नहीं इसलिए। और ये हाइट जो रखते हैं वो कौन सा स्टोन, किस साइज का स्टोन लग रहा है इस पर, मतलब जैसे 2 mm लग रहा है तो मिनिमम रखेंगे, और अगर 3 है, 4 mm जा रहा है, 5 mm तक का अगर स्टोन जा रहा है तो फिर हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ मैं कि ये अपन 2.2 mm की इसकी थिकनेस रख लेते हैं, तो ये थिकनेस हो गई 2.2 की। अब मैं इसमें ये जल लगाता हूँ, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैंने लिया, टॉप किया, डिफॉर्म ट्रांसफॉर्म में जाके मैंने इसको साइज़ किया 2 mm, 2 mm किया। अभी फ्रंट में आके वापस मैं इसको ऊपर मूव करवाता हूँ, यहाँ इजीली जो है ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। और इतना देखो, इतना स्पेस और बच रहा है, तो मतलब ये मिनिमम 0.8 चाहिए होता है, ये सेटिंग के बाद में ये स्पेस 0.8 रहे, यानी कि कैड में 0.8 रहे, सेटिंग के बाद में 0.6 भी हो सकता है, लेकिन स्पेस ज़रूरी है। अगर इसको बिल्कुल यूँ टच करके देंगे ना कैड में तो ये डेफिनेटली बाहर निकलेगा और फिर पहना नहीं जाएगा, ये चुभेगा उंगली में, ठीक है। तो अभी इतनी हाइट की अपने को ज़रूरत नहीं है 2 mm के स्टोन में, तो अपन ये कम कर सकते हैं। इसको मैं 1.8 कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट कर दिया और अभी मैं इसको वो सेट करके देखते हैं। हाँ ठीक है, ये बैंड अपना बनेगा, तो 1.8 की थिकनेस में ये बन रहा है। अब इसको मैं दो तरीके से बनाऊंगा, दोनों तरीके आपको देखने हैं, समझने। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हो, राइनो, मैट्रिक्स, XYZ, आप किसी में भी काम करते हो, ये अगर आपने दोनों तरीके उससे उसमें बैंड बन सकता है। मतलब मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप बना सकते हो। सबसे पहले इसकी ये 2 mm का स्टोन है, अब इसकी विड्थ कितनी रखनी है वो अपन डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक वर्टिकल लाइन ली, ठीक है। मैं कीबोर्ड कम यूज कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और ऑफसेट लगाया इसका, कितना थिकनेस रखना है वॉल का, तो मैंने अभी 0.8 रखा है, ठीक है। 0.7, 0.8, ठीक है, इतना चलेगा। 0.7 से नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये मैं अपना मैक्सिमम विड्थ है, इसका मिरर कर देंगे तो ये अपना टोटल विड्थ आ गया। कितना आ गया, ये टोटल विड्थ दिखा रहा है 3.6 mm, 3.6 mm टोटल विड्थ अपने बैंड का बनेगा। अब फ्रंट में जाके मैं इसको नीचे वाला कर्व सेलेक्ट करता हूँ, वापस टॉप में आता हूँ और इसको मूव करवा लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और इसका मिरर कर दिया, हो गया, फ्रंट किया। और अभी मैं इसको सेक्शन लेता हूँ, तो सेक्शन सिंपल अपन स्क्वायर भी चला सकते हैं, और मैं थोड़ा सा इसको डोम रखूँगा, तो मैं दूसरा बना रहा हूँ, दूसरा सेक्शन मैं इस पर रन करूँगा। एक मिनट ये दीजिए, ये हो गया क्लोज कर्व, और ये हल्का सा मैं इसको डोम कर देता हूँ, ओके। स्क्वायर मैंने डिलीट कर दिया और अब ये सेक्शन सिंपल
कैसे चलाना होता है, इसको हल्का सा 3D करेंगे और रेल लिया और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये अपना सेक्शन चल गया। ओके अब मैं इसको शेडिंग करके देखता हूँ। तो बन गया, ठीक है, ये अपना बैंड बन गया। बट अभी इसमें सेटिंग कैसे होगी, इसके लिए अपन इस सेक्शन को तो मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से ये देखिए मैश वायर फ्रेम में एक कर्व डाला मैंने, ठीक है, और इसका ऑफसेट किया 0.8 का, 0.8 ही लिया था अपन ने शुरू में, और बाकी जो है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक तो होता है कि टेपर, मैं इसको इस सरफेस को टेपर में कट कर दूँ ऐसा, तो सेटर अपने आप जहाँ पे स्टोन को सेट करना है उसको करके कट लगा के घाट बना के मतलब और उसको सेट कर देगा। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बैंड का, सेक्शन बन चुका है। अब मैं सिंपल इसको रिवॉल्व कर देते हैं 12 CV के साथ और अभी मैं इसको कट मार देता हूँ, ये लीजिए। तो ये इस तरह का टेपर कट लगा है, ताकि ये टेपर इसलिए है कि स्टोन इसमें जो है फंस जाएगा, गिरेगा नहीं। अभी मैं शेडिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ये स्टोन सेट करेंगे तो जहाँ यहाँ रुकेगा, यहाँ सेट करना है तो कारीगर यहाँ तक जो है इसको स्ट्रेट करके एक पूरे रिंग में एक घाट बना लेगा और यहाँ स्टोन आके रुक जाएगा और थोड़ा सा नीचे भी ले सकता है और फिर उसके बाद में ये इसको दबा के इसको सेट कर देंगे, वॉल को थोड़ा सा प्रेस करके सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये दोनों तो सेपरेट हो गए, मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये कास्टिंग कैसे आएगी या कैम कैसे आएगा, तो इसके लिए बीच में सपोर्ट अपन छोड़ देते हैं। तो फ्रंट किया और डिसबुलियन कर लेता हूँ सबको, जो कट है उसको मैं वापस निकाल लेता हूँ, ये अपना कटर आ गया और यहाँ पे एक सपोर्ट ऐड करेंगे, तो मैं सपोर्ट इतना काट देते हैं ताकि डायमंड ज़्यादा ऊपर काटेंगे तो डायमंड टच हो सकता है, और सिंपल एक्सटेंड से जी। अब मैं इसको रिवॉल्व कॉपी कर देता हूँ, कितने करें 8 कर देते हैं, हाँ ठीक है, ग्रुप किया और इसको कट करना है कटर से, देखिए कटर से कट किया है, इस कटर से बैंड तो अपना ये इधर ही है, कटर जो बनाया था उसमें से कट किया है और फ्रंट किया फिर वायर फ्रेम और अब इसको कट कर देंगे बैंड से। अब इसको घुमा के देखते हैं रेडिंग, ठीक है, अभी देखिए ये टच हो रहा है, राइट से दिख गया, ये जो है ये इसमें टच हो रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तो हाइट अपना कम है और ऐसे तो ये टच होएगा, सेट नहीं होने देगा, तो इसका एक तरीका है अपने पास, ठीक है। फ्रंट किया, सबसे पहले ये कितने लग रहे हैं स्टोन एक बार वो अपन लगा लेते हैं, 32 स्टोन्स लग रहे हैं, 32 स्टोन लगा के इसको ग्रुप कर दिया और अभी मुझे ये आप देख रहे हैं सेंटर में स्टोन है, मुझे ये वाला जो पार्ट है ये सेंटर में चाहिए, तो ये कैसे आएगा, ये सिंपली कैलकुलेटर अपन ले लेते हैं और 360 डिवाइडेड बाय 32 अपने ये लगे हुए हैं डायमंड, तो ये
11.25, इसका भी हाफ ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, 5.6, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके डिफॉर्म में गए, ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट 0, 0 और यहाँ पे वो पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया, ये सेंटर में आ गया। अब अपन सपोर्ट जो काटेंगे वो यहाँ काट देते हैं, तो ये डायमंड के टच नहीं होगा, बैटनेस में वैसे भी 32 ही है, तो अब ये ट्राइंगल में अपना सपोर्ट रहेगा इस टाइप से। ओके, और राइट में करके एक्सटेंड सरफेस मूव करवाया फ्रंट। अब इसकी कॉपी कितनी रखनी है, कॉपी भी ऐसे ही आए जो मतलब दो डायमंड के बीच में आए, एक बार 8 करके देखते हैं। हाँ यहाँ टच नहीं हो रहा, हाँ ये 8 कॉपी अभी बराबर आएगी, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे कटर से कट किया, अब कटर को बैंड से कट कर देंगे, तो ये अब चेक कीजिए, अब कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब एक एक सेट हो गया, ये 3-3 स्टोन का जो है, ये 4-4 स्टोन का ये सेट हो गया, कि एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच में 4 स्टोन लग रहे हैं, ठीक है। अब राइट क्लिक और पिक कर्व एंड हाइड, एडिट हाइड, हाइड कर दिए। ये अपना रेंडर करके देखते हैं, ये अपना डायमंड का प्रिंसेस कट का चैनल सेटिंग का बैंड रेडी है। ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका सेम, इसकी एक मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको बाद में कंपेयर कर सके, ठीक है। ये वाला मैं हाइड कर देता हूँ, एडिट में जाके हाइड टूल्स। अब यहाँ पे जो करना था वो यही है कि ये भी कर सकते हैं ऐसा भी, ये भी सही है। दूसरा मैं इसका कटर निकाल देता हूँ, वायर फ्रेम में गया और सपोर्ट भी निकाल देता हूँ और मैं इस कटर को डिलीट कर देता हूँ, नहीं इसको डिलीट नहीं करके इसी से बनाते हैं। फ्रंट में गया, मैंने इसके सीवी ऑन कर लिए, तो सीवी राइट क्लिक एंड पिक सीवी, पिक सीवी, ये मैंने इसके सारे सीवी जो है सेलेक्ट कर लिए, इनसाइड वाले, इनसाइड के सीवी सेलेक्ट हो गए। राइट में गया और मैं इसको साइज़ कर दिया, साइज़ कर दिया, इतना इसको ओपन किया और ये देखिए जब तक स्ट्रेट नहीं हो जाए ना तब तक, क्योंकि अपने को 0.8 का स्ट्रेट ही कट करना था, अपन ने टेपर किया ना, टेपर की जगह स्ट्रेट ही कट करना था, और उसके बाद में वायर, एक वायर ऐड करना है, ठीक है। तो ये हाइड सीवी करके मैं इसको कट कर देता हूँ उसमें से, सपोर्ट अपने वही है, अभी ये टेपर था, डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। और मैंने यही अपने सपोर्ट को यूज़ किया है, अभी ये किसी में से कट तो करने नहीं है, इनको भी वैसे ही लगा सकते हैं और वैसे पूरी सरफेस अपन ने काटी है तो इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ से छोटा करना पड़ेगा इसको, इधर ऐसे ही लगाने के लिए, तो उस सरफेस से ही उड़ा देते हैं। सेलेक्ट और ये कट किया और ये कर दिया, ठीक है अभी ठीक है बराबर, बट अभी ये स्ट्रेट है, ये जो है स्ट्रेट है। डायमंड अगर रखेंगे तो वो सीधा नीचे चला जाता है, मतलब इधर से डायमंड रखेंगे 3D करके मैं आपको दिखाऊं, ये तो स्ट्रेट है, इधर से डायमंड रखेंगे तो सीधा नीचे निकल जाएगा ना, रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो टेपर था ना इसलिए रुक रहा था। तो इसको रोकने के लिए एक ये कर सकते हैं,
एक बार स्वैप आईडी में मैंने इसको हाइड कर दिया। एक वायर लेते हैं, सॉरी कर्व लेते हैं, और कर्व का वही थिकनेस 1.8 का जो अपन ने बैंड के लिए यूज़ किया था इतना, और इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी। डन। इसका मैं ऑफसेट मारता हूँ 0.5 का, ठीक है 0.5 का ऑफसेट हो गया। अभी मैं नीचे वाला रख रहा हूँ, ऊपर के दोनों मैंने डिलीट कर दिए, और इस पे मैं पाइप टूल चला देता हूँ। तो सरफेस में जाएंगे, पाइप किया, और यहाँ पे 0.5 का मैंने पाइप चला दिया। फिर राइट करके देखते हैं। अब ये पाइप जो है फुल राउंड है, तो मेरे को ये हाफ पाइप तो सरफेस के अंदर चाहिए और हाफ चाहिए सरफेस के बाहर। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इधर लेके गए यहाँ तक, ऐसे। नहीं तो आप कर्व भी डाल सकते हैं, ये कर्व आपने लगा लिया, उस पाइप को सीधा सा, यही ये इसका मिड है हाफ, तो यहाँ से यहाँ तक जो है हाफ लेके गए। कर्व डिलीट और मिरर, परफेक्ट। अब नहीं जाएगा, अब जाए देखें स्टोन कैसे जाता है, ठीक है। तो अभी स्टोन सीधा डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, वो यहाँ अटकेगा। सेटर अपने अकॉर्डिंग इसको और काट सकता है, और जहाँ स्टोन सेट करना है वहाँ करेगा और सेटिंग कर देगा। दोनों के क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए, इसका मैं आपको डिफरेंस ये दिखाता हूँ कि ये अपना स्वैपाइड में जाके इनको बाहर ले लेता हूँ। ये देखो दोनों टॉप से तो एक जैसे ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं आया, बट अगर 3D करके अंदर से देखते हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है ये इसका मोटा दिखता है, क्योंकि टेपर हुआ है, तो नीचे से ये थिकनेस ज़्यादा होती है और इसकी थिकनेस कम है, बस इतना सा डिफरेंस है। वेट का डिफरेंस है कि नहीं वो अभी चेक कर लेते हैं। ये सेलेक्ट किया और हाइड कर दिया। पहले इसका वेट निकाल लेते हैं पाइप वाले का। एस्टिमेटेड में जाके, मिस्क में जाके एस्टिमेट वेट, और मैं इसको जो है गोल्ड का वेट निकाल रहा हूँ, तो मैं अभी 18 कैरेट का वेट ले लेता हूँ। तो 2.7 आ रहा है, वो अलग है कि अपन इसमें से वो अलाउंस का माइनस करेंगे वो सब, लेकिन एक बार मोटा मोटे आपको समझ में आए इसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसका 2.7 आया और इसका वेट, वही 18 कैरेट में देखते हैं, तो 3.3 आया, ये डिफरेंस आया 3.3 माइनस 2.7, 0.6 ग्राम का ये जो है ये डिफरेंस हो गया। सेटिंग वही होनी है, सेटिंग सेम होएगी, बट इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा आया और इसका वेट थोड़ा सा कम आया बस, बाकी ये बैंड एक और आपका बन के रेडी है। कलर मैं इसका बदल देता हूँ वाइट गोल्ड, और डायमंड का कलर भी बदल देते हैं, और ब्लू नहीं वही सही था, येलो गोल्ड में। हाँ ये ठीक लग रहा है, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो अपने रिंग्स की सीरीज स्टार्ट हो रखी है, तो मैं उसी के ऊपर जो है उसी में अपन बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जो जो चीज़ें शुरुआत अपन ने बैंड से करी है और आगे अपन जाते जा रहे हैं, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।